श्री श्वानी मस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम आपके लिए मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली पंचमी तिथि के लिए एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। यह पंचमी तिथि बहुत ज्यादा विशेष रहने वाली है क्योंकि यह पुष्य नक्षत्र में आई है, इसलिए आपने इस विशेष दिन का अवश्य आपने लाभ उठाना है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन के शनि दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। चाहे वो कितनी शनि की ढैया या साढ़े साथी चल रही हो, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथ साथ में जिनके जीवन की कुंडली में पितृ दोष है, आपको लगता है कि आपके जीवन के काम इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि पितृ आपसे रुष्ट है, तो उनकी संतुष्टि के लिए, आशीर्वाद प्राप्ति के लिए इस उपाय को अवश्य कर लेना है। जिनके जीवन में धन की समस्या रहती हो, उनको भी इस उपाय को अवश्य करना है। साथ साथ में इस उपाय को करने से आपके जीवन में, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। आपके घर में ग्रह क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और पारिवारिक प्रेम देखने को आपको मिलेगा। तो आइए इस विशेष उपाय को समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें कि हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत हो वहां तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनके भी जीवन की समस्या दूर हो सके। शिशवान मस्तुभ्यम हर हर महादेव की हाजिरी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लगानी है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को आपने इस शनिवार को पड़ रही पंचमी की तिथि अवश्य कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 6 काले तिल के दाने लेने हैं और साथ में आपको 2 आटे के दीपक लेने हैं। इसमें से एक आटे के दीपक में आपको गोल बाती भरनी है और दूसरे आटे के दीपक में आपको लंबी बाती भरनी है। ये देसी घी के दीपक होने चाहिए। आपने इन सामग्रियों से इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम समय प्रदोष काल से लेकर रात्रि के भीतर का होता है। आप 9 बजे से पूरा पूरा इस उपाय को कर लें। आपने इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले घर की चौखट पर पहुंच जाना है। यह जो चौखट होनी चाहिए सबसे मुख्य द्वार की होनी चाहिए। इस उपाय को करने के लिए उसमें से एक दीपक आपने जो लंबी बाती का होगा आपने मुख्य दीपक पर दाईं ओर प्रज्वलित करना है और वहां पर आपने आपके पास जो यह 3 काले तिल के दाने होंगे, इस दीपक के ऊपर आपने 9 या 11 बार हाथ घुमाते हुए क्लॉकवाइज आपने ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप करना है और अंत में आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपना नाम और गोत्र लेकर अपने जीवन की समस्या कह देनी है। अब आपके पास एक दीपक बच जाएगा और साथ में आपके पास 3 तिल के दाने बच जाएंगे। इसे लेकर आपने पहुँच जाना शिवालय और महादेव के समक्ष आपने इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का आपने 7, 9 या 11 बार आपने नाम लेना है और आपके पास जो ये 3 काले तिल के दाने हैं आपने क्लॉकवाइज 9 बार हाथ घुमाते हुए आपने इसमें डाल देने हैं और महादेव से अपने जीवन की समस्या कह देनी है। केवल इतना मात्र करने से महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आपके जीवन की हर तरह की समस्याओं का समाधान करते हैं। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जिनको इसकी कोई वीडियो की जरूरत हो वहाँ से जरूर शेयर भी कर दे ताकि उनके जीवन की समस्या दूर हो सके। शीश वैन मस्तुभ्याम और हर हर महादेव की हाजिरी कॉमेंट सेक्शन में गाना ना भूलेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके सुंदर सुंदर वीडियोज़ बनाने के लिए। शीश वैन मस्तुभ्याम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।